मैं शुक्रगुजार हूँ आज तमाम उन मीडिया के दोस्तों का, सोशल मीडिया के दोस्तों का जो यहाँ आए उमर बुरोई घोट होली मैरी, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि ये अगर एहतसाब होना तो सबका होना चाहिए। जो साहब का एमडीए के वहाँ डायरेक्टर रहे उनका एहतसाब होना चाहिए, या एसएचओ जो साहब का गुजरे जिनके द्वार में वहाँ पर आबादी हुई और हर घर से पैसे लिए गए, पुलिस ने हर घर से पैसे लिए हैं, फिर लोगों को वहाँ तमीरात करने दी जाती रही है। जो वहाँ के ठेकेदार जो बात करते थे वो पुलिस को पैसे देते थे, एमडीए को पैसे देते थे, एंक्रोचमेंट के इदारे को पैसे देते रहे, तो सबका एहतसाब होना चाहिए, सबको कटारे में आना चाहिए, ना कि सिर्फ गरीबों का एहतसाल किया जाए, गरीबों की आबादियों को जिन्होंने अपने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर अपने घर बनाए हैं उनको मिसमार किया जाए। और मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला सिंध से, डीजी केडीए से, डीजी एमडीए से कि अगर ये लोग गलत थे तो इतने साल वहाँ कैसे बसने दिया, क्या अदारे सो रहे थे? जब ये बसे हैं तो इनको इनके जो जायज़ चलान हैं वो दिए जाएं और इस जगह को रेगुलाइज करके इन गरीबों को वहाँ रहने का हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.